हाय गाइस वेलकम टू द चैनल, दिस इज शशांक सिंह अगेन। आज है हमारा डे टू ऑफ वर्कआउट, जिसमें हम कर रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स। तो बैक में वी आर शोइंग व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग द वर्कआउट आफ्टर द वार्म अप। हम सबसे पहले करेंगे अपने बोथ ऑफ द वेरिएशन ऑफ चिन अप्स, पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद वी आर डूइंग द बाइसेप्स। सबसे पहले अपना बैक वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, और ये जो मैंने सीरीज बनाई है अपनी लीन मसल मास गेन करने की, आज उसका हमारा डे। और वॉर्म अप करने का सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है, सो दैट कि हमारे जो ब्लड फ्लो है पूरे मसल्स में आ जाए, प्लस वी कैन अवॉइड द इंजरी। ठीक है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो मैं हर वीडियो में यही बोलूंगा, अपने पहले वॉर्म अप से स्टार्ट करो फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, उसके बाद दो सेट लेंगे हम वॉर्म अप सेट, देन वी विल गो फॉर द वॉकिंग सेट। सो यूजिंग योर बॉडी वेट एज अ टूल इन वॉर्म अप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन बैक एक्सरसाइज, इन चेस्ट एक्सरसाइज, इन योर लेग एक्सरसाइज। तो आप बॉडी वेट को जरूर यूज करो, प्लस जिन लोगों से आप एक दो या तीन चिन अप्स भी नहीं लग पाती इनिशियल फेज, तो अपने बॉडी को सिर्फ हैंग करके रखो फॉर 30 सेकेंड्स और फॉर 45 सेकेंड के बाद 60 सेकेंड्स तक। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 एक्सरसाइज, सिंगल हैंड डंबल रोइंग, दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव फॉर बैक। अगर आपके लेट्स वीक हैं बैक में तो आप इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हो, स्टार्टिंग विद लाइट वेट इन फर्स्ट सेट, उसके बाद आपको मॉडरेट से हैवी वेट जाना है इन द सेट नंबर वॉकिंग 4। बहुत अच्छे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लैट्स। आज हम लैट्स फोकस कर रहे हैं बैक में, तो इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को सेकेंड नंबर पे रखा है। आपको सेम मसल माइंड कनेक्शन बैठाते हुए इस एक्सरसाइज को ठीक इसी तरीके से परफॉर्म करना है, और आपको जर्क नहीं मारना है। तो 4 सेट हमने रखे हैं फ्रंट के, 3 सेट रखे हैं हमने बैक के। तो जब आप बैक पर आओगे इस वर्किंग सेट्स को कम्प्लीट करने के बाद, मेक श्योर कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन पे इसको परफॉर्म ना करें, इसको सिर्फ हाफ रेंज ऑफ मोशन पे करें, और जर्क लेने के बजाय आप इसको लाइट एंड मॉडरेट वेट पर ही ट्रेन करें। सो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल सेट्स जस्ट डू 3 सेट्स। इस एक्सरसाइज में आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका पोस्चर ना बिगड़े। तो इसमें मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 4th सेट था, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इसमें एक सुपर सेट, जो कि आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में दिख जाएगा। सो यू कैन फॉलो दिस एंड मेक श्योर कि आपकी बॉडी जर्क मारते हुए आगे ना जाए, वेट जो है वो आपके कंट्रोल में ही रहे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन बाइसेप्स, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ इन डूइंग इन द फर्स्ट रो। तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, वो मूवमेंट ठीक उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं वेट्स को और बावल को नीचे लेकर आ रहा हूँ स्लोली। आपको जर्क और नहीं मारनी है, आपको हैवी वेट बहुत नहीं उठा लेना है जो कि अभी कंट्रोल में नहीं हो। सो यू हैव टू डू इन द सेम वे।
एंड नाउ कमिंग टू द पीएचआर, पीएचआर में हमेशा एक स्पॉट अपने साथ जरूर रखना क्योंकि इसमें क्लियर होने के चांसेस भी होते हैं। एंड कमिंग टू द बेस्ट पार्ट, जिन लोगों के बाइसेप्स वीक होते हैं या फिर जिन लोगों का पीक अच्छा निकल के नहीं आता, तो यू मस्ट ऐड दिस एक्सरसाइज इन योर वर्कआउट एंड यू सी द रिजल्ट्स। रेपिटिशंस करने हैं आपको 12 to 15 इन ईच सेट एंड आपको वेट धीरे धीरे हर सेट में आगे बढ़ाना है। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द पीक, जिन लोगों के पीक वीक है या फिर इम्प्रूवमेंट एरिया है, आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो इंक्लाइन कर्ल्स में। और चाहे तो आप सिंगल हैंड भी लगा सकते हो, बोथ हैंड भी लगा सकते हो। बोथ हैंड करने का यही फायदा है दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको जो करने हैं आपको अपने हाथ आगे रख के करने हैं, इंस्टेड ऑफ मनी नोको जैसे यहाँ पे पीछे रख के करने हैं। सो अफेक्टिव वही है व्हेन यू आर डूइंग दिस विद द लाइट वेट्स। आप उसमें हैवी चीज ज़्यादा जैसे कि लिफ्ट करोगे तो आपकी मसल माइंड कनेक्शन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, प्लस उतनी अफेक्टिव नहीं रह पाएगी, आपकी मसल क्लियर होने के भी चांसेस हैं विच इज एज सीन बिफोर। तो उसको लाइट वेट से ही ट्रेन करो एंड यू कैन डू द रेपिटेशन फॉर अराउंड 10 to 20। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का बैक और बाइसेप्स वर्कआउट। आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा? मेरी एक्सरसाइज पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे से कंटेंट लेकर आऊंगा शशांक भाई के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस की पहचान है और डिसिप्लिन से।